Hello students, welcome to B-board and let us see the solution of time and work day 6. So this is our question and these are the options. So let us see the solution. हमारा question क्या बोल रहा है? A can complete a work in 16 days. मतलब A की speed हो गई 1/16. ठीक है? Then how many days he will take to complete 3/4 work? Right? तो अब आपको पता है कि जो speed होती है, that is total work, या मैं कहूँ सिर्फ वर्क अपॉन टाइम, राइट? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम. ठीक है, तो हमें पता है ए की स्पीड कितनी है, 1/16. ठीक है, तो अब ए इसी स्पीड से 3/4 वर्क करेगा. कितने टाइम में वो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज 3/4 वर्क इन एक्स टाइम. तो दिस इज ऑल्सो द स्पीड ना, तो स्पीड की वैल्यू हमें पता है 1/16. तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूँ तो मेरा x आ जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से. सो x विल बी इक्वल्स टू 3/4 इंटू 16, दैट इज इक्वल्स टू 3 × 4, दैट इज 12 डेज. ठीक है, इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता था, जो हमारा टेबल वाला मेथड होता है, यहाँ पे जिसमें हम टाइम लिखते हैं, यहाँ पे स्पीड लिखते हैं और नीचे टोटल वर्क होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, ए 16 डेज में काम करता है, स्पीड मैंने ए की एज्यूम कर लेता हूँ 1. ठीक है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 16. अब क्या बोल रहा है, ए को 3/4 वर्क करना है, मतलब 16 का 3/4 दैट इज 12 वर्क करना है. तो वो कितने दिन में कर देगा, एक ही स्पीड से. ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन स्पीड, दैट इज 12 डेज. तो यहाँ से भी मेरा आंसर आ जाता है 12 डेज. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर आंसर. सो आई होप यू लाइक द सोल्यूशन. थैंक यू.